अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। लंबे समय से परेशान महाराष्ट्र के प्याज किसानों को थोड़ी राहत मिली है। कुछ प्रमुख मंडियों में प्याज की कीमत में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी लागत को कवर करने के लिए पर्याप्त कीमत नहीं मिल रही है। किसानों का कहना है कि अगर प्याज 1 से 5-6 रुपए किलो तक बिकता रहा तो किसान इसकी खेती छोड़कर दूसरी फसलें अपनाएंगे और ये उपभोक्ताओं के लिए बेहद घातक साबित होगा। महाराष्ट्र कांडा उत्पादक संगठन के अध्यक्ष का कहना है कि अगर महाराष्ट्र में उत्पादन कम हुआ तो देश में प्याज का आयात करना पड़ेगा, इसकी कीमत में भारी वृद्धि होगी और ये 200 रुपए तक पहुंच सकती है। इसलिए प्याज उत्पादन लागत के हिसाब से सरकार को जल्द से जल्द इसकी कीमत को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लेना चाहिए। महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक है, यहाँ देश का करीब 40% प्याज का उत्पादन होता है। ये है कि नासिक के लासवल गाँव में एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी है, जहां 1 जून को प्याज की कीमतों में कुछ सुधार हुआ था। यहां न्यूनतम भाव 601 रुपए प्रति क्विंटल था, जबकि अधिकतम दर 1408 रुपए और औसत दर 1051 रुपए प्रति क्विंटल रही। इसी तरह निफाड में न्यूनतम भाव 450 रुपए रहा, यहां अधिकतम भाव 1201 और औसतम भाव 1070 रुपए प्रति क्विंटल रहा। वहीं अन्य मंडियों की तुलना में आम तौर पर पीपला गांव में प्याज की कीमत अधिक होती है, क्योंकि यहां के प्याज की गुणवत्ता अलग है। यहां 1 जून को न्यूनतम भाव 600 रुपए प्रति क्विंटल था, जबकि अधिकतम भाव 1611 रुपए और औसत भाव 1250 रुपए प्रति क्विंटल रहा। वहीं सैकड़ा मंडी में न्यूनतम भाव 500 रुपए प्रति क्विंटल था, अधिकतम भाव 1301 रुपए, जबकि औसतम भाव 1100 रुपए प्रति क्विंटल रहा। महाराष्ट्र प्याज उत्पादन संगठन के अध्यक्ष का कहना है कि 5 साल पहले भी किसानों को 10 रुपए प्रति किलो से भी कम प्याज मिलता था और आज भी उन्हें इतने ही दाम मिल रहा है, जबकि उत्पादन की लागत काफ़ी बढ़ गई है। जब किसानों को कीमत मिलने लगती है तो सरकार इसे कम करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन अब जब 50 पैसे 75 पैसे 1 रुपए और 2 से 3 रुपए प्रति किलो का भुगतान किया जा रहा है तो किसानों को नुकसान की भरपाई की जाएगी। वहीं साथ में बता दें कि महाराष्ट्र प्याज उत्पादन संगठन के अध्यक्ष का कहना है कि जब हर साल दर समान रहेगी तो किसान प्याज की खेती करना बंद कर देंगे, इससे उत्पादन कम होगा, फिर प्याज को भी तिलहन फसलों की तरह आयात करना होगा, फिर अंदाज़ा लगाइए कि इसकी कीमत क्या होगी। वहीं प्याज की खेती अनाज फसलों की तुलना में अधिक लोगों को रोज़गार प्रदान करती है, ऐसे में सरकार को प्याज की खेती की लागत पर 50% लाभ छोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP तय करना चाहिए, नहीं तो इस तरह प्याज पैदा करने वाले किसान बर्बाद हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक बिग ब्लिस। बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।